यम यम यम, खजूर का हलवा सो टेस्टी माशाल्लाह। मज़ेदार। कप के बराबर सूजी थी, इलायची डाली, खजूर को चॉप किया और नट्स साथ रख लिए। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे और विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। विंटर्स हों और फ्राइड स्नैक्स हों, क्रंची से, क्रिस्पी से, या फिर गर्मा गर्म हलवा जातना हो, तो ये कैसे हो सकता है? आप सभी लोग खाते होंगे शौक से गाजर का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, मखंडी हलवा, पता नहीं कौन कौन से हलवे, अंडे का हलवा। मैं आज आपके लिए ला रही हूँ एक हेल्दी सी जबरदस्त सी चीज का हलवा। क्या है मेरे हाथ में बताइए? एक्यूरेट। आई एम ईटिंग डेट्स, खजूर, सुन्ना नब्बी, हमारी ट्रेडिशंस। और ये डेट्स अपने अंदर एक ट्रीमेंडस सा रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स रखती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, रिच इन फाइबर है और ए टू जेड मिनरल्स है। कौन कौन से हैं जी? पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैगनीज है, जिंक है और आयरन भी है। अब बताइए, इतने ज्यादा जब किसी चीज में न्यूट्रिएंट्स होंगे तो आप अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कैसे नहीं करेंगे? तो बेहतरीन तरीका तो यह है कि खजूर को ऐसे ही खाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिजरा के दौरान गारे सौर में और ट्रेवल्स में, वॉर्स में अपने साथ खजूरें और सत्तू रखा करते थे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और तो हम भी इसी तरह खजूर खाने के शौकीन हैं। रमजान में खजूरों का इस्तेमाल बढ़ सकता है और आप अपने हाथ में एक पाम फुल ऑफ डेट्स खा सकते हैं। इसका मतलब है 4-5 डेट्स, डी सीड देम, तो 150 ग्राम्स बनता है। ठीक है जी, 150 ग्राम्स डेट्स खाना हेल्दी है। इसके साथ बॉइल्ड एग ले लें और सब कुछ करें तो ये आपको बहुत अच्छी कैलोरीज देगी फॉर द होल डे। तो मैं आपके सामने आज ला रही हूँ खजूर का हलवा, खजूर के लड्डू भी लाऊंगी। आप मुझे कमेंट्स में देख के बताइए, लिख के बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, खजूर की कौन सी डिश देखना चाहते हैं। और खजूर की मिठाई अरेबियन मिठाइयों में टॉप पर होती है, जो कि मैंने पहले बनाई हुई है लेकिन चैनल पे आने से पहले। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने डेट्स को पहले सोख करके पानी में रखा हुआ था, इसको डीसीड करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं वीडियो को साथ साथ देखिए। जी फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे घर में 2 टाइप्स की खजूर थी। ये वाली खजूर ज़ाया करने पे मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं वैसे ही खा लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो मैंने दोनों तरह की मिक्स खजूरें ले ली थी, एक अच्छी वाली और एक ऑर्डनरी सी। ठीक है जी, इनको डीसीड किया था मैंने, इनको पानी में सोक कर लिया था और अब मैं इनकी गुठलियाँ निकाल रही थी और ये सॉफ्ट भी हो जाती हैं जी। तो अब सभी खजूरों को डीसीड करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इनकी चॉपिंग करेंगे चॉपर बोर्ड पर। हेयर यू कैन कोर्स ग्राइंड देम, या फिर बिल्कुल आप दूध डाल के इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपको फाइन छोटे छोटे से चंक्स मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे इनको चॉप कर रही थी हाथ को बचा कर। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू चॉप देम इंटू स्मॉल पीसेस। ठीक है जी, और सॉफ्ट वाली खजूर तो फ़ौरन हो गई थी, वो सॉफ्ट थी और ये वाला थोड़ी सी हार्ड थी। इनको गलाने का एक और तरीका भी है जनाब, इनके अंदर हम डालेंगे गर्मा गर्म दूध। मैं को सोच के आपके माइंड में आता है ना कि बहुत सारा ऑयल होगा और बहुत सारा मीठा होगा, मेरी रेसिपीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और सिर्फ शाइन के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। यहाँ सूजी को मैं बिल्कुल मिनिमम फ्लेम के ऊपर इसको मैं भून रही थी, ड्राई रोस्ट कर रही थी। ये बहुत पेशेंस का काम है और थोड़ा सा मैंने ऑयल ड्रिजल कर दिया था ताकि मेरी सूजी में थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और कुछ लोग बहुत सूजी के बराबर ऑयल का कप भर कर डाल देते हैं, 1 कप ऑयल और 1 कप सूजी और 1 कप शुगर, नो दिस इज़ नॉट एक्यूरेट। आप इसको मैनेज कर सकते हैं और हमारी सूजी में से अरोमा आने लग गया था। जी हाँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी सूजी ब्राउन होगी, जलाना नहीं है। इसमें मैंने चॉप जो है वो डेट्स डाल दी थी और उनको भी थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, साथ साथ डोई से इनको मैं मैश कर रही थी ताकि जितना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं और अलग से नज़र ना आए। तो इसके बाद हमने भुनाई की थी अबाउट 5 मिनट। थोड़े से नट्स हम बीच में डाल देंगे, थोड़े से गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, राइट। तो मेरे पास तो ज़्यादातर आलमंड्स ही होते हैं, कोकोनट होता है, लेकिन आप अगर चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो ये आलमंड्स मैंने इसमें डाल दिए थे और थोड़े से आलमंड्स को मैंने रख लिया था फॉर गार्निशिंग। ओवन के अंदर मैंने 1.25 कप मग है ये, तो दूध को डाल के इसको देखें किस तरह फ्यूम्स निकल रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि योर मिल्क वाज हॉट। और नहीं डालेंगे, ठंडा होंगे तो वो एक अजीब सा स्टिकी सा हो जाएगा। ढक्कन को फिट कर दिया था मैंने और 5 मिनट्स के बाद हल्की आग के ऊपर मैं दोबारा से कर रही थी। और ये स्टिकी होगा, कोई बात नहीं, इट हैपन्स, ये नॉर्मल है।
इसको इतनी भुनाई करते जाएंगे कि ये जो है इसका बॉटम खुद खुद जो है ना अगर आप चाहें तो खजूर को ग्राइंडर में पेस्ट के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे छोटे छोटे चंक्स इसके अच्छे लगते हैं, और शुगर डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल दें। जी, जब मुझे महसूस हुआ था कि मेरी सूजी बिल्कुल पक चुकी है, बॉटम से सेपरेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो मैंने उसको निकाल के डिश में कर दिया। और अलवी साहब, ताजा हलवा ताजा रेडी कोकोनट हो लाए। चुका है, और द मोस्ट डिलाइटफुल टाइम इज टू टेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू फ्रेंड्स। बहुत मजेदार, पहली बाइट में ही बता देता है कि बनाने वाला कौन। और ये जो अलवी साहब बैठे हैं, इनके मुंह में पानी आ रहा है। जब मैं कैमरा ऑफ करूंगी ना, तो ऑफ द कैमरा ये क्रेजी होके खाते हैं मीठा या कोई भी चीज। खजूर के चंक्स जब आपकी बाइट में आते हैं ना, आपका मजा एनहांस हो जाता है सूजी की वजह से। सूजी की बनाई इस तरह की थी कि गोल्डन कलर आ गया था उसके ऊपर, नाइस, और उसका अरोमा इतना जबरदस्त आता है जो इंडिकेट करता है कि आपकी सूजी भुन चुकी है, और भुनी हुई सूजी ही बेहतरीन होती है हलवा के लिए। तो खजूरें खाएं, हेल्दी रहें, इम्यूनिटी बूस्टअप करें, मिडिल ईस्ट के लोगों की तरह जिन्होंने सबसे पहले ओरिजिनेट किया था डेट्स को कल्टीवेट कर। मिलती हूँ किसी नई अपडेट के साथ, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ।